मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मजदूरों और किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाख दावे करती हो, लेकिन असल में तस्वीर इसके विपरीत नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कभी जमीन पर लेटकर कलेक्टर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते किसान का वीडियो वायरल होता है, तो वहीं अब गले में शिकायतों की माला पहने कलेक्टर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते किसान का वीडियो चर्चाओं में आ जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तमाम बातें और दावे समय समय पर किए जाते रहे, लेकिन आज भी लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं। नीमच कलेक्टर कार्यालय में भी जनसुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता अनोखे तरीके से विरोध प्रकट करते हुए शिकायत करने पहुंचा। जिले के सिंगौजी तहसील के गांव काकरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापति पिछले 7 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उसने शिकायत का आवेदन दिया। कलेक्टर बदल गए, लेकिन उसकी शिकायत दूर नहीं हुई। फिर एक बार मुकेश भ्रष्टाचार को अपने गांव से जड़ से खत्म करने की आस लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, और वो भी अनोखे अंदाज में, बिना शर्ट के, सैकड़ों पुराने शिकायती आवेदनों की माला को पहनकर जमीन पर घसीटते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचा। कलेक्टर कार्यालय के बाहर गेट पर बैठकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी चप्पल सिर पर रखते हुए मीडिया के सामने कहा कि मोहन यादव, अब तो मुझे न्याय दे दो, 7 वर्ष हो चुके हैं, अब मैं खुद की चप्पल अपने सर पर रखकर न्याय की भीख मांगता हूं। मुकेश का आरोप है कि उसकी ग्राम पंचायत के सरपंच आदि ने मिलकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। शिकायत करने के बावजूद अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुख्ता सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मुकेश का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। कलेक्ट्रेट में मुकेश के इस अनोखे अंदाज में पहुंचने पर आम लोग भी उसे देखकर हैरान हो गए। कुछ तो अपने मोबाइल में उसका वीडियो भी बनाने लगे। मुकेश के हाई वोल्टेज ड्रामा करने के मामले पर SDM ममता खेड़े ने बताया कि कलेक्टर ने जिला पंचायत CEO को मामले की जांच कर उन्हें बताने के निर्देश दिए हैं। बता दें, मुकेश भ्रष्टाचार को लेकर कई सालों से कलेक्टर के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसकी मांग का संज्ञान नहीं लिया गया।